फातिमा की कब्र पर हुसैन जाते हैं और अपनी मां से इजाजत नामा लेके आते हैं और कहते हैं क्या ऐ मां करबला जाके सर कटाना है। करबला हजरत एक प्रोग्राम महुआ इस्लामिक की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, समाप्त फरमाएं। हक पे ही मिटे माँ से इजाजत लेके करबला की तरफ रवाना हुए और कहा क्या करबला में जब पहुंचे फिर लईनों से बोले करबला में जब पहुंचे फिर लईनों से बोले मैं अली का बेटा हूँ नाम है हुसैन मैं अली का बेटा हूँ नाम है हुसैन मैं अली का बेटा हूँ नाम है हुसैन करबला में जब पहुंचे फिर लईनों से बोले मैं अली का बेटा हूँ नाम है जी इस्लाम की बचाना है लाजी इस्लाम की बचाना है हक पे ही मिटे जाना है और जितने बाएं हाथ पे बैठे हैं कसम खुदा की ऐसा शेर अल्लाह ने कहलवा दिया है। अब देखिए यजीद के सामने डट के खड़े हुए इमाम हुसैन अली मकाम और कहने लगे ऐ यजीद सुन। हाँ क्या कह दिया सुनना। माना हम 72 हैं और तुम हजारों में माना हम 72 हैं और तुम हजारों में फिर भी मेरे सर को ना झुका सको फिर भी मेरे सर को ना झुका सको तुम
इस शेर पे खुश हो के हमारे भाई साहब ने प्रधान जी के सब अभी रिलेशन के लोग भाई बिरादर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे शेर पे नवाजा। अब देखे इमाम हुसैन अली मकाम कह रहे हैं, अरे यजीद सुन, अगर इज्जत चाहता है तो मेरे हाथों पे बैत कर ले, वरना ना तू दीन का रहेगा ना दुनिया का। तुझको दुनिया लानत भेज देगी और भेजेगी ता कयामत तक, मैं मरने के बाद भी जिंदा रहूंगा। सुभान अल्लाह, क्या कहा आपने, कासिम और अकबर को और नन्हे असगर को, कासिम और अकबर को और नन्हे असगर को दे रहा हूं आज मैं को मुंह दिखाना है, अपने अल्लाह को मुंह दिखाना है, हक पे ही मेरे हमारे फकीरा बड़े भाई साहब आली जनाब सेठ प्रधान जी, ये 500 रुपए फिर इनायत उन्होंने किए हैं। मैं बहुत बहुत प्रधान जी रारी बुजुर्ग वालों का तहे दिल से शुक्रिया। बिंद की रारी बुजुर्ग में ये प्रोग्राम आप पूरी दुनिया में देखेंगे चैनल के माध्यम से, मवा चैनल यूट्यूब पे आप लोग सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा ज्यादा बुलंदी पे पहुंचाएं। हजरत एक प्रोग्राम महुआ इस्लामिक की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, समाप्त फरमाएं। उतने बार आपको ये ख्वाहिश होगी कि बार बार सुने, आ इमाम हुसैन अली मकाम यजीद के पास जाकर बहुत समझाने लगे कि देख अभी भी वक्त है, होश में आ जा, बाज आ जा, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यजीद ने कहा कि मैंने जो वचन निभाया है वो पूरा करके रहूंगा। कहा अच्छा कोई बात नहीं है, अपना तू वादा निभा ले,
मगर मैंने किसी से वादा कर रखा है। वो कौन है? वो साकी कौसर हैं, अल्लाह के महबूब हैं, मोहम्मद मुस्तफा व मुस्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे नाना जान, उम्मत के गमख्वार। कहा यजीद ने कि जो समझ में आए करना, मगर हम अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। कहा एक काम कर दे, शायद अल्लाह तुझसे खुश हो जाएगा। मेरा बच्चा 6 माह का है, माँ के दूध नहीं उतर रहा है, क्योंकि 3 दिन से भूखे प्यासे हैं सब मेरे कुनबे वाले, सिर्फ तू थोड़ा सा पानी मेरे बच्चे को दे दे, हम पानी नहीं पिएंगे। मेरा बच्चा बहुत प्यासा है, 6 माह का है, उसकी जुबान सूख के टेढ़ी हुई जा रही है, सूख के काटा जुबान हो गई है, चंद बूंद पानी की उसके हुलकूम में डाल दे, इतनी इजाजत तो दे दे। साकिये कौसर थे आप, शाफ़ए महशर उनके नाना थे, वो चाहते तो कहीं भी दरियाए नील को बुला सकते थे, और एक एक कतरा पानी का दरिया में नहीं रह जाता, मगर अल्लाह का हुक्म कैसे टालते। तो देखिए मैंने शेर कैसे कहा, सुनिएगा। ऐ यजीद, मुझको जो सताओगे, मुझको जो सताओगे, तुम अजाब पाओगे, जालिमों से बोले परवाज़ी हुसैन। हश्रू मेरा नाना है, शाफ़े हश्रू मेरा नाना है, हक पे ही मिट जाना है, दरबला जाके सर कटाना है, हक पे ही मिट जाना है। ये मवा चैनल बनारस, उनकी जानिब से 200 रुपए आए हैं। किस बात पे आए? मुझको जो सताओगे तुम अजाब पाओगे, जालिमों से बोले परवाज़ी हुसैन। शाफ़ए हश्र मेरा नाना है, शाफ़ए हश्र मेरा नाना है, हक पे ही बचपन का निभाना है, वादा बचपन का